पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। साथ ही घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 3,20,000 रुपए के साथ साथ एक देसी पिस्टल, 2 लोडेड देसी कट्टा, 11 कारतूस, लोडेड मैगजीन के साथ साथ लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हम बता दें कि गुलाबबाग में बाइक सवार अपराधियों ने 12 मई को गल्ला व्यवसायी मनोज जायसवाल से 5,00,000 रुपए लूट लिए थे। इसको लेकर एक टीम गठित कर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अपराधी प्रहलाद कुमार जायसवाल के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि संध्या में SBI से 5,00,000 रुपए उनके द्वारा निकाल के लाया जा रहा था। कुछ लोग घात लगा के इंतजार कर रहे थे और उन्होंने इनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और 5,00,000 रुपए इनके छीन के ले गए। इस घटना के संज्ञान में आते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री आनंद पांडे जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम में सदर थाना अध्यक्ष और तकनीकी दल के पदाधिकारी भी थे। टीम ने लगातार उस रूट को ट्रैक करते हुए, CCTV फुटेज को ट्रैक करते हुए, मोबाइल सर्विलांस के आधार पर 3 दिन के अंदर इस केस को पूरी तरह से डिटेक्ट कर लिया। 3 अभियुक्त को इस केस में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। लगभग 3,20,000 रुपए की रिकवरी की गई है और 3 अभियुक्त के पास से 2 देसी कट्टा और 1 पिस्तौल की बरामदगी हुई है और 11 गोलियां बरामद हुई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बहुत जुल्म की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये अपराधी कहाँ के थे? ये अपराधी मुख्यतः पूर्णिया के ही रहने वाले हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। अगल बगल के थानों से भी हम लोग इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं क्या इनका आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा हथियार तस्कर भी पकड़े। इसके अलावा 18 तारीख को सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि भागलपुर से वेस्ट बंगाल के लिए 2 BBBL गन और 5 गोली लेकर एक तस्कर जा रहे हैं। थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी। SDPO सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और घेराबंदी करके इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी इस तस्कर के द्वारा बहुत बार हथियार को भागलपुर से वेस्ट बंगाल ले गया गया है। इसकी गिरफ्तारी की हुई है, इससे पूछताछ किया गया है, बहुत सारे और भी खुलासे हुए हैं। टीम लगातार काम कर रही है कि जो इस तरह के अंतर राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह है उसके ऊपर हम लोग बाकी और भी गिरफ्तारियां करेंगे आने वाले फ्यूचर में। इनका क्या नाम था ये जो तस्कर है? इनका नाम मोहम्मद आलम।